हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट डिस्कशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन आज एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आया हूं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्डनेस इन वाटर। पानी के अंदर का जो हार्डनेस होता है वो क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि हार्डनेस का क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, और हार्डनेस कितने टाइप के होते हैं, हार्डनेस का यूनिट क्या होता है। तो इसमें पूरी डिटेल से हार्डनेस के बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है हार्डनेस इन वाटर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हार्डनेस कहाँ से आता है और क्या चीज़ होता है। जैसे कि हमारा पानी जो है H2O है, ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला। तो जब पानी में हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट जो होते हैं, साल्ट में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, सिलिकेट हो गया, नाइट्रेट हो गया या क्लोराइड हो गया, ये सब इतना कैल्शियम के साथ हो गया, मैग्नीशियम, जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सब चीज़ अगर प्रेजेंट रहेंगे पानी के अंदर तो यह पानी को क्या कर देता है, वेरी वेरी हार्ड, ये हार्डनेस का प्रॉपर्टी लाता है जब ये सब चीज़ प्रेजेंट रहेंगे। तो यही चीज़ क्या होता है, जितना ये ज़्यादा रहेगा तो हमारा ये पानी का हार्डनेस बढ़ाता है। तो हमको ये चीज़ पूरा एलिमिनेट किया जाता है डीएम प्लांट में। मैंने डीएम प्लांट का लेक्चर बनाया है कि अगर बॉयलर के अंदर भेजने से पहले सबसे पहले हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रेसिड्यूअल जो होते हैं वो पास आउट होके बॉयलर के अंदर चले जाते हैं। तो इसका एक लिमिट ही होता है कि इससे ज़्यादा हम बॉयलर के अंदर हार्डनेस को नहीं रखते हैं। क्योंकि यह क्या होता है, जो हमारा वाटर के अंदर अगर यह प्रेजेंट रहेगा तो एक जब टेम्परेचर देते हैं तो यह प्रेसिपिटेट होने लगता है और अलग होकर डिपॉजिट हो जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा स्केलिंग क्या होता है, वही चीज़ ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहले देख लेते हैं कि हमारा ये इसका यूनिट क्या होता है, हम इसको किस में मेजर करते हैं। तो हमारा जो हार्डनेस जो होता है पानी के अंदर वो हम मेजर करते हैं PPM या GPM में मेजर करते हैं। दो यूनिट है इसका मेजर करने के लिए। तो पार्ट पर मिलियन या ग्रेन्स पर मिलियन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन किस चीज़ का पार्ट्स, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट्स का पार्ट पर मिलियन किसका मिलियन, तो वाटर, मतलब 1 मिलियन ऑफ वाटर का अगर पार्टिकल्स रहेंगे तो 1 मिलियन 1 पार्ट्स कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा तो उसको बोलेंगे 1 PPM हार्डनेस है, ठीक है। अगर यह 1 रहेगा तो 1 PPM हार्डनेस हो जाएगा, यानी PPM पार्ट किस चीज़ का पार्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के पार्ट को। वैसे ही ग्रेन्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन ऑफ वाटर कंटेनिंग 1 ग्रेन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज नॉन एज 1 GPM हार्डनेस। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो हार्डनेस है वो कितने टाइप के होते हैं और क्या चीज़ होते हैं। तो जो इसमें कार्बोनेट, देखिए दो टाइप का हार्डनेस होता है, एक तो होता है टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है, और दूसरा जो होता है वो परमानेंट हार्डनेस। टेम्प्रोरी हार्डनेस को बोलते हैं जो कार्बोनेट होते हैं वो होता है हमारा कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, जिसको बोलते हैं कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। उसमें क्या हो गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया या कैल्शियम बाई कार्बोनेट हो गया, यह क्या होता है हमारा टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम सिंपली जब बॉइलिंग करते हैं ना तो यह ब्रेक होके हमारा रिमूव हो जाता है। तो यह क्या होता है ना, ये बहुत ही इजीली रिमूव किया जाता है, इसीलिए हम इसको टेम्प्रोरी हार्डनेस बोलते हैं। और जो सेकंड जो होता है वो परमानेंट हार्डनेस है। तो ये परमानेंट हार्डनेस में क्या होगा, जो रेसिड्यूअल जो भी है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम का या मैग्नीशियम का
सल्फेट हो गया और आपका सिलिकेट हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब चीज़ क्या है, अगर इसके साथ प्रेजेंट रहेंगे तो वो परमानेंट हार्डनेस बनाएंगे, जो कि यह बहुत ही ज़्यादा वेरी हार्ड स्केलिंग का प्रॉब्लम होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्केल बनाता है। तो ये हमारा हो गया दो टाइप का हार्डनेस वाटर का। अब हम लोग हार्डनेस का टाइप ये देख लेते हैं कि हमारा कितना ppm अगर पानी के अंदर हार्डनेस है कैल्शियम कार्बोनेट का तो क्या हार्डनेस कहलाता है, उसके आधार पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अगर हमारा पहला देख लेते हैं, अगर बिलो 15 ppm अगर हार्डनेस हो तो ऐसे हार्डनेस को बोलते हैं वेरी सॉफ्ट हार्डनेस। दूसरा देख लेते हैं कि अगर हमारा 15 से 50 ppm तक हार्डनेस हो तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट हार्डनेस। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर 50 से लेकर 100 ppm तक पानी के अंदर हार्डनेस हो तो उसको बोलते हैं मॉडरेट हार्डनेस। और चौथा जो होता है 100 से लेकर 200 ppm तक अगर पाया जाएगा तो उसको बोलते हैं हार्ड हार्डनेस। अब मान लीजिए एबव 200 ppm हो इसको बोलेंगे वेरी हार्ड हार्डनेस। तो यह हमारा हार्डनेस के बारे में कुछ डिटेल हुआ जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। तो आई थिंक हार्डनेस के बारे में फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।